हे लक्ष्मण भैया विचार करो लक्ष्मण, जब तो हमारे साथ अयोध्या आए थे तो कितने भरोसे तुमने दिए थे लक्ष्मण, कितने वचनों से हमें समझाया था कि तुम चिंता ना करो, तुम्हारे साथ हम जीवन जीवन भर सहारा भर कर रहे हैं। लक्ष्मण जब हम अयोध्या से वन प्रखंड में आए, कभी कभी हमें अपनी अयोध्या की ख्याल आती थी, लेकिन लक्ष्मण जब हमारी भार्या बाएं अंग में बैठ जाती थी और तुम दाएं भाग की ओर बैठ जाती थी लक्ष्मण, जब हम तुम्हारी ओर अपनी दृष्टि डालते थे और अपनी भार्या की ओर देखते थे लक्ष्मण, तो हम सब सुख भूल जाते थे अयोध्या के। हम बड़ा आनंद का अनुभव अपने हृदय में अनुभव करते थे लक्ष्मण, कि बाम बाग दिस जाल की लखन दाहिनी ओर। लेकिन आज हम क्या देख रहे, हमारा बाया अंग भी सूना और दाया अंग भी सूना। ऐसा समय सत्य कहा है लोगों ने, सत्य कहा है, सत्य कहा है ज्ञानियों ने कि पछताया नहीं जीवन में सदा। कोई कोई किसी किसी का जीवन ऐसा होता है कि उसे जीवन में कभी पछताना नहीं पड़ता है, कि पछताया नहीं जीवन में सदा, उसी अंत समय पछताना पड़ा। उसे अंत समय पछताना पड़ा और कि पछताया नहीं जीवन में सदा, उसी अंत समय पछताना पड़ा। और जो फूल खिला था बगिया में, उसी अंत समय मुरझाना पड़ा। जब फूल बगिया में खिलता है तो बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन उसे अंत में मुरझाना पड़ता है। कि विधि का विधान अटल है यही, विधि का विधान है क्योंकि ये संसार नाशवान है। कि विधि का विधान अटल है यही, जिस आना पड़ा उसे जाना पड़ा। ये भी बात सत्य है कि संसार में जो भी आता है उसी के दिन संसार छोड़कर जाना पड़ता है, चाहे कोई भी हो। कि आया है सो जाएगा और राजा रंग की फकीर, कोई सिंहासन चढ़ गया कोई बांधा गया जंजीर। निर्धन हो सबको जाना पड़ता है, कोई ये ना कहे कि हमें नहीं जाना पड़ेगा, सबको जाना पड़ता है। लेकिन जाना भी कब अच्छा लगता है, जब समय जाने का हो। विचार करो संसार में जिस पुत्र के माता पिता जीवित हो और यदि उनके सामने उनकी संतान ये संसार छोड़कर चल बसे, तो क्या गुजरती है उन माता पिता के हृदय से। अरे वो तो जीते जी मर जाते हैं, जीने